हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले महिंद्रा की मोस्ट डिमांडिंग एसवी कार ऑल न्यू महिंद्रा एक्सवी 700 के बारे में। एंड ये देख रहे हैं आप 700 का टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसको आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग की, देन फीचर्स के बारे में। तो अगर आप भी चाहते हो कोई बढ़िया फीचर लोडेड बढ़िया से एसवी कार जिसमें 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ बढ़िया ब्रॉड से लुक्स मिल जाए, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट हो जाती है 13,45,000 से, टॉप रेंज जाएगा 28 लाख के आसपास तक ऑन रोड। एंड इंजन स्पैक में इस कार में आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन, जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक एंड ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस एक्सवी 700 के साथ। एंड वेरिएंट्स की बात करें तो 5 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे इसमें, इसका बेस MX, AX3, AX5, AX7 एंड AX7 लग्जरी। तो ये इसका टॉप वेरिएंट है AX7 लग्जरी, 5 सीटर 7 सीटर दोनों सेटिंग अरेंजमेंट। एंड ये आपका व्हाइट कलर देख रहे हैं, एंड इसके अलावा 4 आपको कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे। की बात करें तो आप स्मार्ट फ्लिप की रहने वाली है, इसमें भी काफी सारे स्विचेस लॉक अनलॉक बोर्ड ओपन के, एंड पीछे में न्यू वाला बढ़िया सा महिंद्रा का लोगो दिया गया, इस तरह कुछ रहती है। की आप चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं ग्रिल वगैरह में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, बढ़िया न्यू वाला लोगो, यहीं से भाई नया वाला लोगो इसका इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रंट में भी आपको कैमरा दिया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको इसमें 360 कैमरा देखने को मिल जाता है टॉप वेरिएंट के साथ। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स का पूरा सेटअप आपको दिया गया, थ्रो काफी अच्छा सा रहता है, DRL देखने में ब्लिंक कर रहे हैं कितने बढ़िया से लग रहे हैं, एंड इंडिकेटर्स भी इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आएंगे तो बम्पर में यहाँ पे इसका टोंग का ऑप्शन, यहाँ पे दिए गए इसके फॉग लैम्प्स, और ये है इसकी लोअर ग्रिल जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रहेगी। यहाँ पे इसकी प्लेट भी सिल्वर ग्रे फिनिश टाइप की। नीचे इंजन गार्ड वगैरह भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले इस कार की, तो वही 200 मिलीमीटर के आसपास आपको इस कार में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। इंजन हुड एकदम ब्रॉड सा, 360 कैमरा एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अडास, एंड और अंदर जाएंगे ना तो आपको बढ़िया पैनोरमिक सनरूफ 7 एयरबैग जैसे काफी फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना अडास मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कैमरा दिया जा रहा है। तो आपको इसको पास से थोड़ा सा दिखाते हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। देन ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सनरूफ, और अब चलेंगे कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये महिंद्रा एक्सवी 700 की प्रॉपर साइड प्रोफाइल, काफ़ी तगड़ी सी लग रही देखने में। डायमेंशन की बात करें तो 4695 mm की लेंथ एंड 1890 mm की विथ एंड 1755 mm की हाइट देखने को मिल जाती है इस कार की। एंड व्हील बेस भी आपको काफ़ी अच्छा सा मिलने वाला है 2750 mm का। देन यहाँ पे देखेंगे डोर हैंडल्स काफ़ी बढ़िया, आपको थोड़ा अलग डिफरेंट मिलते हैं। अलॉय व्हील्स आपको 18 इंच इसके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, एंड इसमें न्यू वाला यहाँ पे लोगो। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं इस कार के साथ। टायर साइज की बात कर ले तो 235/60 आर्स उसके रेडल के टायर, MRF के टायर इतना को ट्रैवल। ब्लैक कलर के यहाँ पे क्लाइडिंग एंड आउटसाइड मिरर्स डुअल टोन में ऑटो फोल्डेबल फीचर्स के साथ। इसी में देखेंगे इंडिकेटर्स, नीचे यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा बिकॉज 360 कैमरा आपको दिया जाता है टॉप वेरिएंट के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो बढ़िया से यहाँ पे भी क्लाइडिंग, ये थोड़ा आपको डिफरेंट मिलने वाला है इसके हैंडल्स। डैशबोर्ड पूरा यहाँ पे प्रीमियम आपको फील देगा जब आप अंदर बैठेंगे। लेदर की बढ़िया सी सीट, 7 एयरबैग्स मिलेंगे एंड एड फीचर्स। यहाँ पे सनरूफ, रूफ रेल्स, पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो शार्फर एंटीना। यहाँ पे इसका फ्यूल कैप 1 टच में ओपन हो जाएगा जब आपकी कार अनलॉक होगी। एंड 1660 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जहाँ से डीजल आप फिल कराएंगे। बगल में आपको डीजल फ्लूड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एड्रोनिक्स की बैजिंग इसके लास्ट वाले पिलर में। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो रियर में भी बेहतरीन से आपको डिस्क ब्रेक्स, या आपको बेसिक रेंज से ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा इस कार के साथ। एंड ये बैक इसकी प्रोफाइल, बैक से भी काफ़ी बड़ा ब्रॉड एंड बेहतरीन से लुक्स मिल जाते हैं इस कार में। फीचर्स आपको इसमें काफ़ी तगड़े से मिलने वाले, कंपटीशन तो इसको होता है इसका भाई हुंडई अल्काज़ार, टाटा सफारी, MG हेक्टर जैसी कारों से। इसका प्लस पॉइंट यही है भाई, जो मेड इन इंडिया प्लस इतने सारे फीचर जो मिलते हैं ना आपको इसमें अडास वाले, तो काफ़ी बेहतरीन बना देते हैं इस कार को। रियर प्रोफाइल में आते हैं तो सबसे पहले सेंटर में देखेंगे न्यू बटरफ्लाई वाला, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है। नीचे यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट। ऊपर बढ़ेंगे तो वही रियर वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, साइड में वॉशर, यहाँ पे शार्फर एंटीना। एंड स्पेशल थैंक्स नारायण ऑटोमोबाइल्स, अमौसी एयरपोर्ट, कानपुर और लखनऊ, जिन्होंने ये वीडियो कॉल करने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे स्पोर्टी पैड आपको बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। एंड ये है इसकी बैकलाइट जो रहने वाली LED, एंड इसी में आपको 10 फ्लोटिंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे XUV 700 की बैजिंग, एंड जो इसका वेरिएंट है X7 लग्जरी उसके यहाँ पे बैजिंग दी गई है नीचे की तरफ। बम्पर में यहाँ पे इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर एंड लाइट और टोइंग हुक का ऑप्शन भी देखेंगे तो यहाँ पे साइड में मिल जाता है। ग्रे फिनिश में इसकी बढ़िया से इसकी प्लेट, एंड नीचे का इस तरफ पूरा इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, यहीं पर इसका स्पेयर व्हील एंड इधर इसकी एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, तो यहाँ से खोलेंगे इसको। तो ये है इसका भाई बूट स्पेस, यहाँ पे थर्ड रो पे फोल्ड है। रीज़न यहाँ पे सब एसेसरीज लाद रखी इन लोगों ने, तो इस वजह से भाई सीट पूरी फोल्ड कर दी। देख रहे हैं ना मैटिंग वगैरह और सीट कवर्स वगैरह, सीट कवर बोलना बॉडी कवर वगैरह, एंड इतना कुछ यहाँ पे स्पेस रहता है एक बित्ता मान लीजिए 100 लीटर के आसपास। एंड यहीं पर आपको इसकी टूल किट वगैरह ये सब रखा हुआ दिख जाएगा।
ये देख रहे हैं ना, सब टोइंग हुक वगैरह जो भी है यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे रियर एसी वेंट्स वगैरह, फैन स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह 12 वोल्ट का, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल ही जाते हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ आपको यहाँ पे देखेंगे ना तो सोनी के बढ़िया से स्पीकर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 3D वाले रहने वाले, काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट आपको मिल जाता है। ऑफ रोडिंग के शौकीन है तो आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस 700 के साथ। एंड कलर ऑप्शन ये आप इसका वाइट देख रहे हैं, वाइट के अलावा आपको उसमें ब्लू, सिल्वर, रेड एंड एक आपको लाइट ब्लू मिलता है, एक डार्क ब्लू जिसको थोड़ा ब्लैक वाला फील देता है। तो जो भी ऑप्शन लेना चाहे आप ले सकते हैं। कंपटीशन मैंने आपको बता ही दिया। फीचर्स यहाँ पे जो आपको हाईलाइट मिलने वाला है, एलेक्सा आपको मिली जा रहा है इन बिल्ड, इसी के साथ अडास वाले सारे फीचर्स, लेन कीप असिस्टेंट, लेन डिपार्चर, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इतने सारे भाई आपको भर भर के फीचर्स मिलेंगे ना तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो अभी चलते कार के अंदर। तो ये हैंडल देख रहे हैं ना, ये भी बढ़िया यूनिक मिलते हैं। जैसे मैंने कार को लॉक किया तो अंदर अभी चले गए, एंड जैसे अनलॉक करूँगा ना तो आ गए बाहर। आगे वाला आ गया बट इस ये वाला भी नहीं आया, तो इसको देखते हैं तो नहीं आ रहा। रीज़न यहाँ पे भाई पता है क्या है, दो बार इसको अनलॉक करना पड़ेगा तब ये पिछले अनलॉक होते हैं। तो देखिए ये भी बाहर आ चुका है। और इस टॉप रेंज के साथ इस तरह कुछ डोर पैनल आपको देखने को मिलने वाली है। लेदर की बेहतरीन से यहाँ पे सीट्स रहेंगी। तो सबसे पहले डोर पैनल ही को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो ये रहने वाला बढ़िया सा इस तरह। यहाँ पे दिया गया पावर विंडो का कंट्रोल, ग्लास ब्लैक फिनिश में हैंडल, नीचे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे इसका प्लेट, ये वाइट कलर की लेदर, क्वालिटी काफ़ी अच्छी सी है। यहाँ पे सीट रिक्लाइन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए बैठ के देखते हैं अंदर क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। तो डैशबोर्ड का व्यू देख रहे हैं ना, जब भाई यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट एंड क्लस्टर वगैरह ऑन होगा तो और ही बढ़िया सा फील आने वाला है। एंड रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स रहने वाले हैं। तो ये देख रहे हैं एसी वेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, टाइप सी यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट, लेग रूम, थाई सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन सा इस कार के हिसाब से। और यहाँ पे देखेंगे ना तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा सा रहेगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे की थर्ड रो फोल्ड है, वरना भाई काफ़ी बड़ा आपको पूरा व्यू मिलता है। ग्रैप हैंडल एंड हुक, बगल में पे लाइट्स, एलईडी लाइट्स रहेंगी। एंड एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे सारे पिलर्स में आपको देखने को मिलेगी। रीज़न यहाँ पे आपको स्टॉप रेंट में बढ़िया से 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, प्लस 5 टाइप की सेफ्टी रेटिंग। सनरूफ अभी बंद है तो आगे चलेंगे तब आपको खोल के दिखाएंगे। तो बैठेंगे एकदम कंफर्टेबल होकर यहाँ पे। एंड सीट्स में यहाँ पे बढ़िया आपको पॉकेट्स भी दिए जा रहे हैं, जहाँ कुछ भी अपना सामान मैगजीन वगैरह लगा सकते हैं। तो आइए चलते कार के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये आप इसका देख रहे थे 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 182 bhp की पावर, 450 Nm का टॉर्क मिल जाता है ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। एंड मैनुअल मिलेंगे तो आपको 200 bhp की पावर, 420 Nm का टॉर्क मिलेगा, समथिंग वही 15 km का माइलेज। पेट्रोल इंजन ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिया जाता है 2000 cc का TGDI पेट्रोल इंजन ऑप्शन, उसमें आपको 197 bhp की पावर, 380 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 12 से 13 km का माइलेज ऑफर किया जाएगा। तो यही था इस कार का पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो बढ़िया कैमरा, बिकॉज 360 कैमरा दोनों आउटसाइड मिरर्स में आपको दिया जा रहा है, प्लस रियर में एंड फ्रंट में। तो अब खोलते हैं इसके डोर पैनल को। ड्राइवर साइड वाली डोर पैनल कुछ इस तरह, डैशबोर्ड पूरा यहाँ पे देख सकते हैं इसका, लेदर बढ़िया वेलकम फीचर वाली यहाँ पे सीट्स, यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन्स, ORBM एडजस्टमेंट के यहाँ पे सारे स्विचेस, कंट्रोल्स, डोर ओपनर, यहाँ से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वे सीट एडजस्टेबल रहेगी, जिसको आप रिक्लाइन, हाइट, जो भी आप बढ़िया इलेक्ट्रिक वे एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसके स्विचेस यहाँ पे दिए गए डोर में, नीचे बॉटल होल्डर वही स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं इनकी डोर्स में। यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी दी गई है, जो नाइट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी बैठेंगे कार के अंदर, उससे पहले यहाँ पे देखेंगे ना तो सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी सी। यहाँ पे इसका प्लेट, ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ब्रेक एंड एक्सीलेटर, डेड पेडल भी आपको दिया गया है, बोनट खोलने का लीवर यहाँ पे रहने वाला है, देन यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन एंड हेडलाइट लेवलर, ये सारे आपको स्विचेस रहेंगे। तो बैठेंगे तब देखते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। तो इग्निशन को सबसे पहले यहाँ पे ऑन करेंगे, देन देख रहे हैं ना कितना प्रीमियम सा फील आने वाला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के, फुल्ली डिजिटल एंड ये पूरा मर्ज रहेगा इसके इंफोटेनमेंट तक। सबसे पहले सनरूफ खोलेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर उजाला आएगा, तब आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा इसका पूरा इंटीरियर का। तो यहाँ पे बढ़िया सी पैनोरामिक आपको फुल साइज यहाँ पे इसकी सनरूफ देखने को मिल जाएगी। एंड जब भी आप कहीं घूमने जाएंगे ना तो भाई इससे आपको काफ़ी बढ़िया सा व्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दो लोग निकलिए, तीन लोग निकलिए, इतनी बड़ी सी सनरूफ तो आराम से बाहर का पूरा व्यू देख पाएंगे। यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स। सो आइए यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10.25 इंचेस वाला इसका बढ़िया सा दिया गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, ट्रिप एवरेज, माइलेज, TPMS जैसे काफ़ी सारे फीचर्स, इसी के साथ लेन डिपार्चर एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो भी ना, यहाँ पे आपको उसकी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है इसके क्लस्टर में। तो फुल्ली इन्फॉर्मेटिव यह रहने वाला है इसका क्लस्टर, एंड देखने में तो भाई काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, प्रीमियम लग्जरी सब पूरा फील दे रहा है। यहाँ पे न्यू वाला बढ़िया सा महिंद्रा का लोगो, इधर इंफोटेनमेंट एंड टेलीफोनिक जैसे काफ़ी सारे कंट्रोल्स, इधर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के आपको स्विचेस, लेदर है बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील, देन यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल, इधर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लें तो ये टिल्ट एडजस्टेबल रहेगी इसकी स्टीयरिंग व्हील,
देन अब चलेंगे सेंटर कंसोल की तरफ, तो ये भी काफ़ी बड़ा प्यारा सा लग रहा है प्रीमियम सा, ये भी 10.25 इंचेस का मिलने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, ओपन कारप्ले, यूएसबी ऑक्स वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सारी कनेक्टिविटी के साथ आता है ये सारी इसके एप्लीकेशन। एंड आपको इसमें 12 स्पीकर्स मिलने वाले सोनी के 3D साउंड सिस्टम, जो काफ़ी बड़े आपको साउंड आउटपुट निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो नेविगेशन वगैरह, एंड इसी के साथ आपको इसमें एड्रोनिक्स एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स। तो यहाँ से मैंने प्रेस किया, 360 कैमरा देखिए, ये देख रहे हैं ना भाई। एंड स्कॉर्पियन से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको इसका कैमरा क्वालिटी, तो यहाँ से आप पूरा 360 व्यू देख सकते हैं। तो यही था इसका पूरा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे इसको भी कर देते बंद। एसी वेंट्स कुछ इस तरह, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे एयरबैग्स ऑन ऑफ करने के स्विचेस, सीट बेल्ट एंड हेडलाइट के स्विच, कैमरे का डिफॉगर, ड्राइव मोड जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन, यहाँ पे दो दिए गए हैं यूएसबी के पोर्ट, यहाँ पे स्पेस एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। एंड ये रहा इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे स्विचेस, और यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट के कुछ शॉर्टकट दिए गए, वॉल्यूम कॉल्स वगैरह, होम वगैरह आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। दो ग्लास होल्डर्स, आर्मरेस्ट, इसमें भी बढ़िया सा स्पेस एंड चाबी वगैरह रखने का भी स्पेस दिया गया है। देन इधर देखेंगे तो यहाँ पे बढ़िया थोड़ा आपको लेदर फिनिश मिलेगी जो आपको प्रीमियम फील देती है। देन यहाँ पे इसके ट्विटर, सोनी की ब्रांडिंग दी गई इनमें। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा स्पेस, लाइट, टैबलेट होल्डर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं ग्लव बॉक्स में। तो डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे देख रहे हैं ना, सोनी के बढ़िया 12 स्पीकर्स मिलते हैं 3D वाले, तो साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा सा रहेगा। यहाँ पे सनवाइजर में कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी आपको स्पीकर, ट्विटर, यहाँ पे LED लाइट्स रहने वाली इसके रूप में। ये नाइट में काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसकी वजह से। बाकी SOS सन ग्लास होल्डर्स, जिसको बंद करते हैं, इधर देखेंगे तो यहाँ सनवाइजर में बढ़िया सा आपको वैनिटी मिरर विथ लाइट सारी चीज़ें दी गई, LED लाइट्स रहेगी, यहाँ पर एडजस्टेबल इसका एयर VM। और यहाँ पे आपने इसके सनरूफ वगैरह तो देखे ली, थर्ड वाली रो कवर नहीं कर पाया, रीज़न भाई इतना ज़्यादा ओपन उन्होंने सामान रख दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी डैशबोर्ड वगैरह पूरा प्रीमियम फील दे रहा है, फीचर्स की तो पूरी दुकान है भाई, ये एकदम भर भर के फीचर्स हैं। सनरूफ को पैक करते बंद, फिर लास्ट में बात करेंगे इसके हम लोग प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो अगर आप भी को चाहते हैं मेड इन इंडिया बढ़िया 5-star रेटेड पॉइंट फुल्ली फीचर लोडेड SUV कार, तो आप इस कार के साथ जा सकते हैं। विजिबिलिटी बोनेट वगैरह पे विजिबल होगा, फीचर्स तो बहुत सारे हैं, अभी बारी बारी आपको बता दें क्या कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो अभी इसको डोर पैनल को करते बंद, और अब बात करें अगर इस कार की प्राइसिंग के बारे में, जो आप इसका टॉप वेरिएंट देख रहे हैं X7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो ये आपको पड़ने वाला है 24,20,000 एक्स रूम एंड 27,80,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। मैनुअल ट्रांसमिशन में जाता है अगर डीजल में, तो वो आपको पड़ेगा 20,59,000 एक्स रूम एंड 23,80,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड। तो इसकी प्राइसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट एंड सिटी वाइज। वारंटी आपको इसमें मिल जाती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। बाकी सेफ्टी मैंने आपको बताई दी, 5-star रेटिंग आपको मिल जाएगी इस कार में। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS विद EBD, 7 एयरबैग, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, लेन की परसिस्टेंट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जैसे भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं इस 5-star रेटेड SUV कार के साथ। तो यही था आज का हमारा बेहतरीन सा वीडियो महिंद्रा XUV समडोलो के टॉप रेंट पे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।